वेलकम बैक टू माय चैनल हनुमान का ब्लॉग्स। दोस्तों ये है डिस्कवर बजाज की 100 cc बाइक। इसकी मैं इंजन वर्क कर रहा हूँ हाफ, और इसका इंजन ऑयल भी पूरा निकला है, कम नहीं था। तो इसमें मुझे ऐसी कोई कमी दिखी जिस कारण से इस बाइक का इंजन जल्दी ख़त्म हो गया, इंजन ख़राब हो गया। ये बात सही है कि बजाज डिस्कवर 100 cc का इंजन ज़्यादा कामयाब इंजन नहीं है, एक वीक इंजन है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ मैकेनिक ने या खुद जिसकी बाइक है उसने ऐसी गलती कर दी जिस कारण से इस बाइक का इंजन जल्दी फूक गया, ख़राब हो गया। तो मैं आपको ये इस वीडियो में ये बता रहता हूँ, आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप ये गलती फ्यूचर में अपनी बाइक के साथ ना करें जिस कारण से आपका इंजन बाइक का बिल्कुल ख़राब हो जाए और आप परेशानी में पड़ जाएँ और आपका पैसा आपकी जेब से ज़्यादा लगे और नुकसान की तरफ जाए। तो उसको रोकने के लिए और कुछ समझाने के लिए, और अगर आपको बात समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो लगातार देखें। मेरे एक एक टॉपिक को मत अपने दिमाग से निकालना या इस वीडियो को अपने हिसाब से दूर मत करना, क्योंकि मैं आपको सही बात एक पूरी प्रैक्टिकली करके उसके बाद आप तक लाता हूँ। वैसे मैं बिना प्रैक्टिकल की बात आपके सामने लाता नहीं हूँ, तो मैं आपका टाइम ना खराब करता हूँ फ्रेंड, जल्दी से इस बात को इस वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों ये जो बाइक है इसके कस्टमर ने कुछ ही दिनों पहले, मतलब कि तकरीबन 5 से 6 महीने पहले इसका इंजन कंप्लीट बोल कराया था, उसके बाद में वापस इस समस्या उसे देखनी पड़ गई। इसका एक छोटा सा कारण मैं आपको बताऊं, जैसा कि आप इसका पिस्टन देख सकते हैं, इसका पिस्टन सीज मारने को था, अगर ये जल्दी से ना खुलवाता तो इसकी बाइक सीज मारे थी। दूसरा दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा मेन कारण जो है, इसको जो इंजन का जो दोस्तों इसको वो कारण है, इसका इंजन ऑयल, दोस्तों इंजन ऑयल इतना बेकार था इसके अंदर डाला हुआ, एक लोकल कंपनी का या किसी डुप्लीकेट कंपनी का इंजन ऑयल इस बाइक में डाला गया था, जिसने इसके कंप्लीट इंजन को ख़राब कर दिया। दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि ऐसी बाइक के अंदर आपको कैसे पता लगेगा कि वो इंजन ऑयल ख़राब है या सही है। जब भी आप इंजन खुलवाएं किसी बाइक का या क्लच प्लेट डलवा रहे हैं, तो उस टाइम आप गौर करें कि उस इंजन ऑयल का जो कलर है, दोस्तों ये कलर आपको दिख रहा है, वो कलर ऑयल जो इस तरह से उतरेगा, दोस्तों ये कलर ऑयल जो है कि कलर ऑयल उतर रहा है, ऑयल का कलर था इसमें, या तो पहले रेड कलर का लाल रंग का इंजन ऑयल डाला गया था या लोकल कंपनी का इंजन ऑयल डाला गया था, जो गर्म होने पर उसका जो कलर है वो छोड़ गया और इसके ऊपर चिपक गया। इसी लेयर का जो पिस्टन होता है, इस पिस्टन के जो रिंग है, इन रिंगों के ये लेयर के ऊपर वो रंग जो है फंस गया, अड़ गया, रुक गया, या लेयर में इन रिंगों में जम गया, जिस कारण से उस ब्लॉक को इसने काट दिया, क्योंकि रिंग दबे नहीं और काटने के बाद में वहाँ से जगह बन गई, और जगह बनने के बाद में प्रॉपर तरह से ये पिस्टन चला नहीं और ये पिस्टन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, यानी कि ये वाइट स्मोक देने लगा है। तो छोटी सी कमी के कारण, यानी इंजन ऑयल के कारण। दोस्तों मैं आपको ये दिखाऊँ इंजन ऑयल ख़राब कैसे है, इसका आपको पता लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जगह जो है, यहाँ पर ऑयल रहता है, ऑयल ये जो ऑयल फिल्टर यहाँ लगाता है, आप देख सकते हैं इस ऑयल फिल्टर के अंदर जंग लग चुकी है, जंग लग चुकी है, जहाँ पे ऑयल पंप फिल्टर, ऑयल पंप से यहाँ प्रेशर से ऑयल आता है और ऑयल साफ़ होता है और फिर हेड में आता है, उस जगह पर भी प्रॉपर हर टाइम बाइक चलने के बाद में यहाँ ऑयल रहता है, फिर भी इस बाइक के अंदर वहाँ उस जगह पे जहाँ ऑयल रहता है वहाँ पर जर लग गई है, जंग लग गई है, रस्ट हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि वो इंजन ऑयल जिसने उस जगह पर रस्ट को भी ख़त्म नहीं किया, तो वो इंजन ऑयल कितना अच्छा होगा और कितना ख़राब होगा। दोस्तों ये हालात जो है, ये एयर फिल्टर के हैं, दोस्तों ये एयर फिल्टर के हैं। हालांकि मैं कहता हूँ कि एयर फिल्टर पुराना है, काफ़ी ज़्यादा पुराना है, लेकिन पुराना एयर फिल्टर होने से ये नहीं होता कि उस जगह पर जंग लग जाएगी या जर लग जाएगी। जर लगने का कारण मेन ही है कि उसका इंजन ऑयल जिस बाइक को डलवाया है बहुत ज़्यादा नकली, बहुत ज़्यादा बेकार कंपनी का इंजन ऑयल था, जिस कारण से इस पूरे इंजन को जो है आज इस हालत में आ गया है और इसकी दशा ये हो गई है। तो इसका कसूरवार इसका ओनर है या मैकेनिक है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप ही बता सकते हैं कि इसमें कमी किस की है, किस की नहीं है। मैं आपको ये कहूँगा दोस्तों, आप इस तरह की अपने बाइक के अंदर कमी ना छोड़ें, जब भी सर्विस करवाएँ एक अच्छा, एक ओरिजिनल, एक बढ़िया इंजन ऑयल अपनी बाइक में डलवाएँ। मैं ये चाहता हूं कि जितने मेरे व्यूअर हैं, जो मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं और जो मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, वो ऐसी गलती ना करें जैसे गलती दूसरे लोग करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं एक अच्छी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ जिसमें आपको ही फ़ायदा है और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे ही फ़ायदा है। तो दोस्तों ये अब इसकी क्लच प्लेट मैं चेंज कर रहा हूँ, हो सका वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं आपको क्लच प्लेट खोल के नहीं दिखाना चाहता कि कैसा क्लच प्लेट निकला है, कैसा निकला, क्योंकि मेरा ये आज का जो कॉन्टेक्ट है ये इसके ऊपर नहीं है। मेरा कॉन्टेक्ट सिर्फ आपके बाइक में सर्विस के दौरान डलने वाला इंजन ऑयल पे था, कि आप ये गलती ना करें कि वो इंजन ऑयल आपके
बाइक को साफ करने के बजाय आपके बाइक के पार्ट्स को ही ख़राब कर रहा हो। तो अगर मेरी बात अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर जरूर एक बार लाइक करना। ओके बाय, मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।